हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लिशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सितंबर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू
एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ. द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट हिम. टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स. शी टेल्स हिम डैट he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस. प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस. स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी. सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने. एडिट किया है मार्क डे ने. म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया. डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स. रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013. यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013. यूनाइटेड स्टेट्स. रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स. कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है इंग्लिश. अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लिशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई. द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर. द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013. द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस. इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट. द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस. टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन. कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर. जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ. द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट हिम. टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स. शी टेल्स हिम डैट he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस. प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस. स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी. सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने.
एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश, अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लिशन रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनॉल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश, अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लिशन, रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर
जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे, टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सितंबर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट grossed 87.1 million against a 12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grafft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lay grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond and फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे, टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits. Time is instantly smitten but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी कभी भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सितंबर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21st birthday, टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी कभी भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग
डोमनॉल, ग्रीशन, रेशियल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013. The film received positive reviews from critics. At the box office, it grossed 87.1 million against a 12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grieft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lee grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond, and free-spirited younger sister Catherine on his 21st birthday. Tim learns from his father that the men of his family have the ability to travel back in time to moments they have lived before. James discourages his son from using his gift to acquire money or fame, and Tim decided he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits him. Tim is instantly smitten, but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनॉल, ग्रीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवम्बर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनॉल, ग्रीशन, रेशियल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013. The film received positive reviews from critics. At the box office, it grossed 87.1 million against a 12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grieft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lee grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond, and free-spirited younger sister Catherine on his 21st birthday. Tim learns from his father that the men of his family have the ability to travel back in time to moments they have lived before. James discourages his son from using his gift to acquire money or fame, and Tim decided he will use it to improve his love life.
द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने,
प्रोडक्शन कंपनी रही हैं, वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश, अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लिशन, रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनॉल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश, अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लिशन, रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड
फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैटरीन कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे। टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस। प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैरगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013। यूनाइटेड किंगडम 1 नवम्बर 2013। यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट grossed 87.1 million against a 12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grafft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lay grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond, and फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैटरीन कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे। टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits. Time is instantly smitten but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग?
आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लिशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits him. Time is instantly smitten but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लिशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द
फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस। प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, ए 14 सेप्टेम्बर 2013। यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013। यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड He will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits.
टाइम इज इंस्टेंटिस मिडन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ द स्टेट टू टेल हर हाउ ही फील्स. शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर. टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चारोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस. प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस. स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी. सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया. डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स. रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013. यूनाइटेड किंगडम 1 नवम्बर 2013. यूनाइटेड स्टेट्स. रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स. कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है इंग्लिश. अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई. द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर. द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013. द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस. इट grossed 87.1 million against a 12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grafft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lay grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond and free spirited younger sister Catherine on his 21st birthday. Tim learns from his father that the men of his family have the ability to travel back in time to moments they have lived before. James discourages his son from using his gift to acquire money or fame, and Tim decided he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits him. Time is instantly smitten, but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस. प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस. स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी. सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया. डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स.
रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, ए 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लिशन रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनॉल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, ए 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लिशन रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21
बर्थडे। टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सितंबर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट grossed 87.1 million against a 12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grieft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lay grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond, and free spirited younger sister Catherine on his 21st birthday. Tim learns from his father that the man of his family have the ability to travel back in time to moments they have lived before. James discourages his son from using his gift to acquire money or fame and time decided he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits him. Time is instantly smitten but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है
टिम बेवन, एरिक फैनल, निकी कैंडिस बांस स्टार्स रहे हैं मूवी में। डोमनाल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लिशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सितंबर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ली ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड before. James discourages his son from using his gift to acquire money or fame and time decided he will use it to improve his love life. The following summer Kit Kat's friend Charlotte visits him. Time is instantly smitten but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनल, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लिशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लिशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सितंबर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट grossed 87.1 million against a 12 million budget.
द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्टर हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज मार्किंग हेज फाइनल फिल्म अपीयरेंस. टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स मदर मैरी एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे. टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर. जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ. द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट. टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स. शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर. टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस. प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस. स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैरगोट रॉबी. सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने. एडिट किया है मार्क डे ने. म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया. डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स. रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013. यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013. यूनाइटेड स्टेट्स. रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स. कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है इंग्लिश. अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई. द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर. द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013. द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस. इट grossed 87.1 million against a 12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grafter, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lee grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond, and फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे. टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर. जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits. Time is instantly smitten but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सितंबर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21st birthday, टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलेंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सितंबर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग
डोमनॉल, ग्रीशन, रेशियल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013. The film received positive reviews from critics at the box office. It grossed $87.1 million against a $12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grieft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lee grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond, and free-spirited younger sister Catherine on his 21st birthday. Tim learns from his father that the men of his family have the ability to travel back in time to moments they have lived before. James discourages his son from using his gift to acquire money or fame, and Tim decided he will use it to improve his love life. The following summer, Kit Kat's friend Charlotte visits him. Time is instantly smitten, but waits until the end of her stay to tell her how he feels. She tells him that he should have told her earlier. Time travels back in time to tell Charlotte in the middle of the holiday. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमनॉल ग्रीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवम्बर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स। रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमनॉल ग्रीशन, रेशियल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013. The film received positive reviews from critics at the box office. It grossed $87.1 million against a $12 million budget. The film was dedicated to actor Richard Grieft, who died a few months before the film's release, marking his final film appearance. Tim Lee grew up in Cornwall in a house by the sea with his father James, mother Mary, absent-minded uncle Desmond, and free-spirited younger sister Catherine on his 21st birthday. Tim learns from his father that the men of his family have the ability to travel back in time to moments they have lived before. James discourages his son from using his gift to acquire money or fame, and Tim decided he will use it to improve his love life.
द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनाल ग्लीशन, रेशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट ए 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम ले ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनाल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैलगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने।
एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लीशन, रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर जेम्स, मदर मैरी, एब्सेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किट कैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोट इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं अबाउट टाइम। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड कर्टिस ने एंड रिटन किया है रिचर्ड कर्टिस, प्रोड्यूस किया है टिम बेवन, एरिक फैनलर, निकी कैंडिस बांस। स्टार्स रहे हैं मूवी में डोमिनॉल ग्लीशन, रेचल मैकम्स, बिल नाही, टॉम हॉलैंडर, मैरगोट रॉबी। सिनेमाटोग्राफी दी है जॉन ग्लिस्टियन ने, एडिट किया है मार्क डे ने, म्यूजिक दिया है निक लेड क्लाउस ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है वर्किंग टाइटल फिल्म रिलेटिविटी मीडिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज डेट रही है 27 जून 2013, 14 सेप्टेम्बर 2013, यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर 2013, यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम रहा है 123 मिनट्स, कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रही है इंग्लिश। अबाउट टाइम मुझे 2013, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रिचर्ड कर्टिस एंड स्टेरिंग डोमिनॉल ग्लीशन, रैशल मैकम्स एंड बिल नाई। द फिल्म इज अबाउट ए यंग मैन विद द एबिलिटी टू टाइम ट्रेवल हु ट्राइड टू चेंज हिज पास्ट इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज फ्यूचर। द फिल्म वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 सेप्टेम्बर 2013। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट ग्रॉस्ड 87.1 मिलियन अगेंस्ट 12 मिलियन बजट। द फिल्म वॉज डेडिकेटेड टू एक्टर रिचर्ड ग्रेफ्ट हु डाइड ए फ्यू मंथ्स बिफोर द फिल्म रिलीज, मार्किंग हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस। टिम लेक ग्रो अप इन कॉर्नवॉल इन ए हाउस बाय द सी विद हिज फादर
जेम्स, मदर मैरी, एबसेंट माइंडेड अंकल डेसमोंड एंड फ्री स्पिरिटेड यंगर सिस्टर कैथरीन। कैथरीन ऑन हिज 21 बर्थडे, टिम लर्न फ्रॉम हिज फादर डैट द मैन ऑफ हिज फैमिली हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू मोमेंट्स दे हैव लाइव्ड बिफोर। जेम्स डिस्करेजेज हिज सन फ्रॉम यूजिंग हिज गिफ्ट टू एक्वायर मनी और फेम एंड टाइम डिसाइडेड ही विल यूज इट टू इम्प्रूव हिज लव लाइफ। द फॉलोइंग समर किटकैट्स फ्रेंड चार्लोट विजिट। टाइम इज इंस्टेंटली स्मिटन बट वेट्स अंटिल द एंड ऑफ हर स्टे टू टेल हर हाउ ही फील्स। शी टेल्स हिम डैट ही शुड हैव टोल्ड हर अर्लियर। टाइम ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू टेल चार्लोटी इन द मिडल ऑफ द हॉलीडे।